आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मिनी पेड़ा की रेसिपी को। आप इस रेसिपी को बिना दूध और बिना मावा के झटपट से घर पर बना के तैयार कर सकते हैं। एकदम हलवाई स्टाइल ये पेड़ा बनके तैयार हुए हैं। इन्हें मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितने ज़्यादा ये सॉफ्ट और मुलायम हैं, ना ये दांत में चिपकेंगे और बहुत ही स्वादिष्ट बढ़िया बन के तैयार होंगे। एक कप मिल्क पाउडर से आप ढेर सारे पेड़े बना के तैयार करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है और इसमें हम डालेंगे ये मिल्क पाउडर। बिल्कुल नया अंदाज है, आप देखें। धीमी आंच में मैंने यहाँ पे कढ़ाई में मिल्क पाउडर को डाल दिया है। 2 से 3 मिनट के लिए हमें यहाँ पे इसे गर्म करना है। यहाँ पे आप मिल्क पाउडर कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, और जिससे मिठाइयाँ वगैरह बनाई जाती हैं तो वो सागर कंपनी का या मिल्क बार का आता है, तो आप वो वाला ले सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम धीमी आंच में लगातार इसे भूंज के तैयार करेंगे। 3 से 4 मिनट में ही हमारा मिल्क पाउडर अच्छे से भुन जाएगा। इसे भूंजने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, और इस तरह से इसमें अगर गुल्ठे पड़े तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप धीमी आंच में बस इसे चलाते रहें, बाद में जो मतलब गुल्ठे पड़ रहे हैं तो इस तरह से हम इन्हें दबाते जाएंगे और इसे भूंज लेंगे। हल्का सा ही हम इसका कलर चेंज करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे बिल्कुल मार्केट जैसे बिल्कुल पेड़े बनके तैयार होंगे जो देसी वाले मिलते हैं, ठीक उसी तरह। तो बस इसे हमें गर्म करना है 3 से 4 मिनट के लिए धीमी आंच में। ये काम आपको बिल्कुल धीमी आंच में करना है। और 3 से 4 मिनट हो गए हैं, अब आपको इसका कलर चेंज दिख रहा होगा। बस हम इसी तरह का कलर जब चेंज हो जाए तो इससे पेड़ा बनाना शुरू करेंगे। इससे ज़्यादा देखें अब हमें नहीं भूंजना है, और जो गुल्ठे थे वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि मैंने इस तरह से दबा दबा के अच्छे से इसे चलाया है। और जो थोड़े बहुत रह गए हैं तो जो अब हम पेड़ा बनाएंगे ना तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और देखें भूंज के तैयार है। इसे निकाल लेंगे किसी बर्तन में और ठंडा कर लेंगे। अब मैंने इसे बर्तन में निकाल लिया है जब ये ठंडा हो गया है, और फिर से एक कढ़ाई वही वाली ले ली है। मिल्क पाउडर को हमने निकाल लिया है। इसी कढ़ाई में अब हम आधे कप दूध डालेंगे। यहाँ पे आप दूध कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध डालने के बाद इसमें आधे कप हम चीनी डाल देंगे। जितना हमने मिल्क पाउडर लिया था उसका आधा हमें सारी चीज़ें लेना है। चीनी डालने के बाद अब हम इसमें देसी घी डालेंगे 2 चम्मच के करीब। बहुत ज़्यादा देसी घी नहीं डालना है, इस तरह से 2 चम्मच। अब हम ये सारी चीज़ों को गैस पे रखेंगे गरम करने के लिए। धीमी आंच में मैंने गैस पे इन चीज़ों को रख दिया है और चीनी को इस तरह से चला दिया है ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए। और इन पेड़ा को आप कभी भी बना के तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो आप कभी भी इस पेड़ा को बना सकते हैं। देखिए कितनी जल्दी ये बन रहे हैं। अब देखें चीनी को 3 से 4 मिनट लगेंगे अच्छे से घुलने में। हमें पूरी तरह से चेक कर लेना है चीनी अच्छे से घुल गई है कि नहीं, और नहीं तो ये रह जाएगी तो फिर पेड़े में बीच बीच में चीनी आएगी। तो देखें अब चीनी अच्छे से घुल गई है। मैं देखूँ इस तरह से चेक करके देख रही हूँ। तो इसी तरह से आपको देख लेना है। फिर इसके बाद आपको मिल्क पाउडर इसमें डाल देना है। इस समय मैं आंच को बिल्कुल धीमा ही रखना है और इसे चलाते जाना है। बढ़िया से हम इस तरह से फेंट के चलाते जाएंगे, और 2 से 3 मिनट में ही ये थिक हो जाएगा, अच्छे से पक के तैयार हो जाएगा। और देखें इसको देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि हमने इसे भूंज के लिया है तो कितना अच्छा ये बनके तैयार हुआ है। एकदम मावा जैसे आपको दिख रहा होगा। बहुत ही स्वादिष्ट अब हमारे पेड़े बनके तैयार होंगे। इसे मैंने अच्छे से पका लिया है। अब हम इसमें इलायची डाल देंगे। मैंने यहाँ पे कूटा हुआ इलायची का इस्तेमाल किया है। 3 से 4 इलायची को इस तरह से कूट के डाल दिया है। अब इसे थोड़ा और चलाएंगे ताकि ये थोड़ा और अच्छे से कम्बाइंड हो। इस तरह से चेक कर लेंगे।
ये देखें कितना परफेक्ट ये बनके तैयार हुआ है, सिर्फ 3 से 4 मिनट में ही बन गया है। गैस को बंद कर देंगे और इसे निकाल के कुछ इस तरह से फेंट लेंगे। आप इसे इस तरह से फेंट सकते हैं या फिर छोटी कटोरी की सहायता से भी इस तरह से अच्छे से चिकना कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट ही इस तरह से हम करेंगे। इसके बाद हम इसे चारों तरफ कढ़ाई में फैला देंगे और ठंडा करेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारे पेड़े बनेंगे एकदम सॉफ्ट और मुलायम बनेंगे और बिना दांत में चिपके हुए। और बस अच्छे से फेंट लेंगे इसे इस तरह से। अब ये फिट के देखें पूरी तरह से तैयार हो गया है। 2 से 3 मिनट ही लगा है। अब हम इसे कढ़ाई में इस तरह से फैला देते हैं। इसे मैंने इसी तरह से छोड़ दिया था और ये देखें ठंडा हो गया है अच्छे से, तो काफ़ी टाइट भी हो गया है। अगर आपको लगे ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख के ठंडा कर सकते हैं, उससे ये टाइट भी हो जाएगा। पर सर्दी का समय है तो देखें फ्रिज में रखे बिना भी आप इसे बना सकते हैं। हाथों पर हल्का सा तेल या घी लगा लीजिए और इसे मसल लीजिए और बस इसके पेड़े बनाना शुरू करेंगे। तो मैं इस तरह से इसे मसल रही हूँ 2 मिनट के लिए। अब मैंने देखा एक लोई इसकी ले ली है, जितनी रोटी बनाने के लिए लोई लेते हैं उससे थोड़ी बड़ी, और इसको इस तरह से रोल कर लिया है ताकि पेड़े जब हम बनाएं वो एक साइज के बने। तो इस तरह से हम इसे कट कर रहे हैं। इसी तरह से सारे पार्ट हम कट कर लेंगे इसके छोटे छोटे पीसेस में और फिर हम इसके पेड़ा बनाना शुरू करेंगे। जब पीसेस ये कट जाएंगे और जब हम इन्हें ठंडा करने के लिए अच्छे से छोड़ देंगे तो ये सेट हो जाएंगे। तो पहले आप इसके पीसेस कर लीजिए कुछ इस तरह से, फिर इनको गद्दी से गोल कर दीजिए और एक उंगली की सहायता से इसमें होल कर दीजिए। होल में आप कोई ड्राई फ्रूट डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसके अंदर काजू डाले हैं, आप चाहें तो सिंपल भी इसे रख सकते हैं। इसी तरह से हमें बाकी के पेड़े बना के तैयार करना है। और देखें बारीक कटे हुए काजू मैंने इसके अंदर डाले हैं तो ये देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। और जब आप इसे 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएंगे। और 1 कप मिल्क पाउडर से 1 किलो के करीब ये पेड़े बनके तैयार हो गए हैं, आपको देखने में ही लग रहा होगा। और इसके ऊपर अब मैंने पिस्ता 1-1 रख दिया है, इससे इन और भी ज़्यादा सुंदर और बढ़िया हमारे पेड़े दिखने लगे हैं। पेड़े बनके तैयार हो गए हैं, एकदम सॉफ्ट बने हैं, मुलायम हैं। और मैं इसे आपको तोड़ के दिखा देती हूँ कि कितने अच्छे हमारे पेड़े बने हैं। ये देखें कितने इजीली ये टूट रहे हैं, एकदम सॉफ्ट मुलायम। रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक करिएगा।